hi, namaste. You're watching Gadget Times. It's me, Pavni Jain, and I'm here again with another camera review of a newly launched smartphone. Kaun sa hai ye phone? It is Redmi 12 5G, which comes at a starting price of ₹10,999. अब आप पूछोगे कि पावनी 11,000 के फोन में आपको कैमरा से क्या ही एक्सपेक्टेशंस हैं? Well, the camera quality of this smartphone is This is what you're going to find out in today's video. I'm going to briefly take you through the camera specifications on this phone. पीछे की तरफ आपको मिलते हैं दो कैमरास, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा अलोंग विद अ 2 मेगापिक्सल ऑफ डेप्थ सेंसर। वहीं पर आगे की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। शुरुआत करेंगे रेयर कैमरा की पिक्चर्स के साथ। शुरुआत करेंगे हम इस फोटो के साथ। यहाँ पर आपको कलर्स भी काफी सारे मिलते हैं और साथ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फोटो के अंदर दिखाई देते हैं। थोड़ा सा जूम इन करेंगे, सो आई वुड वांट टू स्टार्ट विद द कलर्स। सो बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इन द फोटोज टेकन विद द नॉर्मल फोटो मोड, ये सारे के सारे फोटोज में बहुत ही बढ़िया कलर्स को रिटेन करता है। और अगर हम शार्पनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा शार्पनेस भी दिखाई देता है। व्हेन यू जूम इन अ लिटिल, वहां पर आपको लगता है कि हाँ, द फोटो इज लूजिंग ऑन द डिटेल्स, लेकिन जितना मिल रहा है स्पेशली कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ दिस स्मार्टफोन, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। नाउ कमिंग टू द स्किन टेक्सचर, नाउ इफ आई जूम इन द फोटो अ लिटिल बिट, तो यहाँ पर स्किन टेक्सचर भी आपको काफी ही बढ़िया दिखाई देता है। जो मेरी ज्यादातर कंप्लेंट रहती है इन अ लॉट ऑफ फोटोज कि आपको चेहरे की जो फाइन लाइंस है वो नहीं दिखती, वेल फॉर अ फोन लाइक Redmi 12 5G उसके फोटोज में भी आपको चेहरे की लाइंस दिखाई देती हैं। वेल अगर आप बहुत ज्यादा जूम इन करेंगे, दैट्स व्हेन यू विल फील कि जो स्किन टेक्सचर है वो स्मूथ हो रहा है, फोटो थोड़ी सी स्मूथ है, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो आपको स्किन टेक्सचर भी बढ़िया दिखता है। I'm going to judge on the dynamic range through a couple of photos. सबसे पहला फोटो हम देखेंगे ये वाला, जहां लेफ्ट साइड पे सारी की सारी कार्स पार्क्ड हैं और राइट साइड पे आपको बिल्डिंग दिखती है। यहाँ पर जो डार्क पैचेस हैं वो फोटो के अंदर आसानी से स्पॉट किए जा सकते हैं। और इस वाले फोटो में अंडर द शैडो जब ये फोटो लिया गया था, इस पिक्चर में, इस फ्रेम में जो वेल लिट एरियाज हैं वो अच्छे से आप देख सकते हो। बात करते हैं फोटो नंबर 3 की, यहाँ पर आपको कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, रेड कोन्स हैं, ब्लू शेड है, सारे के सारे कलर्स इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटेन फोन ने किया है। और ओवरऑल जो कलर्स हैं इन द फोटोज टेकन विद द नॉर्मल मोड, वो मुझे बढ़िया लगे। आई वांट टू शो यू वन मोर एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू द डिजिटल जूम ऑफ दिस स्मार्टफोन। सो यू गेट अप टू 10x जूम विद Redmi 12 5G। तो इसी फ्रेम में मैंने एक सब्जेक्ट लिया जो अपने शू लेसेस को बांध रहा था, फिर सेम फ्रेम पर मैंने 4x जूम पर वही फोटो को क्लिक किया और इसमें जो कलर्स हैं वो उतने ही शार्प और ब्राइट थे जितने 1x मोड पर मेरे को दिखाई दिया। उसी के बाद सेम फ्रेम पे मैंने 10x जूम पर भी फोटो को क्लिक किया और ऐसा उसका रिजल्ट कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको अच्छी तरीके से शार्पनेस मिलती है। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ दैट अ फोन दैट स्टार्ट्स एट ₹11,000, उसके हिसाब से जो इसका नॉर्मल मोड है, जो कैमराज हैं, वो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। नॉर्मल मोड के बाद आई एम गोइंग टू शो यू अ कपल ऑफ पिक्चर्स दैट आई हैव क्लिक्ड यूजिंग द 50MP मोड। उसमें क्या होता है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, क्योंकि नॉर्मल मोड पे कैमराज यूज करते हैं पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी। सो we should get a lot of details in the photos जो हमने 50MP पे क्लिक किए थे। This is the normal mode photo और ये है 50MP का photo। एक और example मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने क्लिक किया था normal mode पे और वहीं पर हमने इस फोटो को क्लिक किया है 50MP mode पर। Now what is the difference? Well, to me, both the photos look very, very identical. अगर आप और महंगे फ़ोन की तरफ जाते हैं, किसी फ्लैगशिप डिवाइस की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल OnePlus 11R या फिर Samsung की A सीरीज़ की फ़ोन की अगर हम बात करें, उसमें जो आपको डिफरेंस मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन विद Redmi 12 5G मुझे ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लगा इन दोनों मोड्स पर। मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ जस्ट अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द कलर्स। हो सकता है जैसा ये वाला जो फोटो है उसमें फ्लावर्स थोड़े से कलर ज्यादा रिटेन कर रहे हैं 50MP मोड पर, या फिर बहुत ज्यादा जूम इन करने पे आपको थोड़ा बहुत फर्क महसूस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखाई देता है जो ज्यादातर और फोन्स में आपको देखने को मिलता है। दिस इज नॉट अ डील ब्रेकर एट ऑल, लेकिन अगर क्योंकि क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू टेक मोस्ट ऑफ योर पिक्चर्स ऑन द नॉर्मल मोड। वाई? क्योंकि अगर आप 50MP पर क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल साइज है वो
बढ़ जाएगा। तो अगर एक फोटो मैंने नॉर्मल मोड पे लिया है तो लगभग उसका जो फाइल साइज होगा वो होता है 6 to 7 MB, लेकिन अगर उसी फोटो को मैंने 50 MP पर लिया है तो उसका फाइल साइज हो जाता है 14 to 15 MB ऑन एन एवरेज। तो फिर क्यों बढ़ाना फाइल साइज को, नॉर्मल मोड पे क्लिक करो और अच्छे फोटोज को एंजॉय करो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मोड। 2 MP का डेडिकेटेड कैमरा आपको फोन पर मिलता है, क्या उसकी इमेज क्वालिटी बढ़िया होने वाली है या नहीं? नॉर्मल मोड या फिर 50 MP का जो प्राइमरी कैमरा था उसने तो काफी ही खुश किया है। अब देखते हैं पोर्ट्रेट फोटोज। सो ये हैं कपल ऑफ इमेजेस दैट आई हैव क्लिक्ड यूजिंग पोर्ट्रेट मोड, एंड इन माय ओपिनियन गाइस क्या किया है, मतलब फोन ने क्या ही किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। बिकॉज आई रियली रियली लाइक द पोर्ट्रेट मोड ऑन दिस स्मार्टफोन। काफी बढ़िया एज डिटेक्शन है, अगर आपको मजा आता है ऐसी फोटोज क्लिक करने में जिसका बैकग्राउंड ब्लरी हो और सब्जेक्ट एकदम फोकस में हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर देख लो गाइस, मैं बैठी हुई हूँ स्कूटी के ऊपर और पीछे मेरे बहुत सारी 2-व्हीलर्स खड़े हुए हैं और सब एकदम ब्लर्ड है। मेरा जो चेहरा है वो एकदम फोकस में है, बालों को बहुत अच्छे से इसने एज डिटेक्ट किया है, फाइन लाइन क्रिएट किया है, देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। पोर्ट्रेट मोड की एक अच्छी बात और है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ एज डिटेक्शन ही नहीं, कलर्स भी फोन अच्छे से डिटेन कर रहा है इन ऑल द फोटोज, तो वो चीज बढ़िया है। आपको डायनामिक रेंज भी बढ़िया मिलता है एकदम, मतलब ये फोटो देखो गाइस बहुत ही खूबसूरत। So guys, this was all about the rear cameras. अब हम आते हैं फ्रंट शूटर की तरफ, जहां आपको मिलता है 8 MP का एक डेडिकेटेड सेंसर। तो सेल्फीज की क्वालिटी कैसी लगी, क्या आप इससे व्लॉग बना सकते हो या नहीं, क्या आपको बनाना चाहिए या नहीं, जानते हैं सेल्फीज देखने के बाद। टाइम टू शो यू माई प्रिटी सेल्फीज। द फर्स्ट वन इज विद अ प्रिटी रेड फ्लावर्स, हीरोइन फील्स लेते हुए नेचुरल हवा में एक सेल्फी, क्यूट कोन के साथ एक क्यूट सेल्फी, ऑफिस वाले बेस्ट फ्रेंड के साथ एक सेल्फी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के कारण डस्टबिन के साथ एक सेल्फी। प्लीज नोट, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग डस्टबिन में डालें, और आखिर में नो स्मोकिंग बोर्ड के साथ सेल्फी, बिकॉज स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इन सभी सेल्फीज को मैंने नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक किया है। द 8 MP सेंसर फॉर फ्रंट फोटोज gives you impressive result, but it did lack in taking good portrait selfies. Normally click करेंगे तो आपको photo result अच्छा लगेगा, लेकिन portrait mode थोड़ा सा disappoint कर सकता है. Oh wait, that's our editor who is editing this story. Let's move on to the next segment. Photos के बारे में बात कर लिया, but it's important to talk about videos, क्योंकि बहुत सारे मेरे viewers बन रहे हैं, are in the making of being content creators, right? तो आपको पता होना चाहिए कि इस फोन की वीडियो क्वालिटी कैसी है, बनाते हैं सम ब्लॉगिंग कॉन्टेंट। सो दिस इज आर टेस्टिंग वीडियो, जहां पर हम रेयर कैमरा से 1080p/30fps वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट सो यू नो द क्वालिटी एंड यू कैन एक्चुअली जज द माइक क्वालिटी एज वेल। सो जस्ट इन केस इफ यू विश टू मेक सम कॉन्टेंट वर्टिकल Instagram या फिर TikTok या फिर YT Shorts के लिए, तो आपको पता होना चाहिए क्वालिटी कैसी है। So guys, this is another sample video. This one I am recording in 720p at 30fps. यही दो मोड्स आपको मिलते हैं, 720p resolution और 1080p resolution at 30fps. Colors आप देख सकते हैं, साथ में you can also judge the stability of the video. I am walking pretty fast right now and this is how the stability looks. Now here's one video recording using the front shooter of Redmi 12 5G. Just like the rear cameras, you get 2 resolution options from the front shooter as well. You get 720p recording or you get 1080p recording at 30fps. Quality kuch aisa is video ka dikhai de raha hai. Now I'm right under the bright sunlight aur yahan hum aa gaye thoda sa shadows mein. इस तरीके से हमें कलर्स के बारे में पता चल सकता है, एंड ऑल्सो अबाउट द डायनामिक रेंज, कितना फोटो ये क्लिक कर पा रहा है, कितने कलर्स को रिटेन कर पा रहा है, कैसा क्वालिटी लग रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द स्टेबिलिटी टेस्ट। वेल आई डू अंडरस्टैंड दैट विद बजट स्मार्टफोन्स कभी कुछ अच्छा होता है कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक बजट फोन ढूंढ रहे हैं स्पेशली फॉर इट्स कैमरास,
तो Redmi 12 5G इज डेफिनेटली अ विनर चॉइस। इसके कैमरास बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं, बट कैमरास के साथ अब क्या इस फोन में आपको किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है या नहीं, वो आपको रिव्यू वीडियो में पता चलेगा। हाल फिलहाल जितने भी कैमरा सैंपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो फोटोज इससे क्लिक किए हैं, आई हैव डन दैट इन द पास्ट फ्यू वीक्स, उसके बेसिस पे आई कैन टोटली टेल यू कि मुझे इसकी कैमरा क्वालिटी बेहद पसंद आई। फोटोज में कलर्स हैं, डिटेल्स हैं, और स्पेशली इस प्राइस पर जो भी आपके पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैमरास, आप सोशल मीडिया पे डायरेक्टली फोटोज अपलोड कर सकते हो, इतना ज्यादा मुझे बढ़िया लगा। तो उसी हिसाब से आप इस फोन को खरीद सकते हो। क्या किसी और डिपार्टमेंट में ये लैक कर रहा है या नहीं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स, क्योंकि इसके फुल रिव्यू वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।